हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सिस्टरों में। आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, उसका टॉपिक है नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ में क्या मैजिक होने वाले हैं, क्या ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो शुरू करेंगे रीडिंग, लेकिन उससे पहले डिवाइन से, गॉड से प्रे करेंगे कि जो भी कार्ड्स निकल कर आएँ उनसे एक्यूरेट रीडिंग हमें मिले, एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज उनकी लाइफ में क्या वंडर होने वाला है, नेक्स्ट 15 डेज उनकी लाइफ में क्या मिरेकल्स आने वाले हैं, उनकी लव लाइफ में क्या जादू होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू मदर आइसिस, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में क्या वंडर होने वाला है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन डेस्टिनी, जो सबसे पहला कार्ड है वो है डिवाइन डेस्टिनी का, पथ ऑफ द डिवाइन वॉरियर। तो डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हैं, और कुछ लोग हायर लेवल के लवर्स हैं, सोलमेट्स हैं, जो इस अर्थ पर एक वॉरियर की तरह से आए हैं, इस अर्थ पर मदर अर्थ पर डिवाइन के द्वारा भेजे गए हैं, और उनका काम यहाँ पर प्रेम की ऊर्जा को फैलाना है, लव वाइब्रेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, जिससे कि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो बुराइयाँ हैं, और जो भी बुरे बुरे काम लोग करते हैं, उनकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों का अवतरण हुआ है। और इस अर्थ पर आने का जो मेन उद्देश्य है आप लोगों का, वो है प्यार को फैलाना, अधिक से अधिक लोगों में ये भावना डालना कि वो प्यार को समझें, प्यार की पावर को समझें, लव की पावर को समझें। तो आप में से बहुत से लोग गॉड के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और एक तरीके से आप गॉड के वॉरियर हैं, योद्धा हैं, जो धरती की रक्षा करने के लिए अर्थ पर आए हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं कि नेक्स्ट 15 डेज हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। और डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को अभी पता नहीं हो कि आप इस जर्नी में हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं, लोगों में लव वाइब्रेशंस अपग्रेड करने के लिए आए हैं, आपको शायद नहीं पता हो। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको अपनी अहमियत पता पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू पता पड़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी खास मकसद से अर्थ पर आए हैं। दूसरा कार्ड है पोर्टल ऑफ लाइट, सी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। तो जो मदर आइसिस हैं वो आपको बता रही हैं कि आप जो पोर्टल अभी ओपन हुआ है, 10-10 पोर्टल, आप उसकी लाइट को अचीव करिए, अपने आप को मेडिटेट करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, और इस 10-10 पोर्टल की जो खूबियां हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मिलने वाली हैं नेक्स्ट 15 डेज, उनको बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ अचीव करिएगा, और गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करिएगा कि गॉड ने आपको इतनी अच्छी जर्नी दी है, आपको इतनी अच्छी लव लाइफ दी है, कि आप सचमुच में उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि असल में प्रेम कहते किसको हैं, प्यार होता क्या है, किस चीज़ को प्यार कहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच इतने अच्छे मैसेज देने के लिए, थैंक यू डियर गॉड। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट 15 डेज इनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, इनकी लव लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, क्या मैजिक होने वाले हैं जो इनको बहुत अधिक खुश कर देगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग, आपके लिए एक एक करके चुने हुए मैसेज आ रहे हैं, गॉड आपको बता रहे हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि एंटर करिए उस हीलिंग चैम्बर में, जिसमें जाकर सभी लोग अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन बनाकर बाहर निकलते हैं। तो गॉड का यही मैसेज है आपके लिए कि नेक्स्ट 15 डेज अपने आप पे वर्क करिए, जो ये पोर्टल ओपन हुआ है इसमें अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, अपने जो भी शैडो साइड्स हैं उनको बाहर निकालिए, उनको दूर करिए, और एक
उच्च हायर लेवल पर पहुंचिए जहां पर आपको सचमुच में लोगों को सिखाना है कि प्रेम की परिभाषा क्या है या प्रेम की वाइब्रेशंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारी जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज उनकी लव लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, एक कार्ड पॉपअप होकर नीचे गिर गया था। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सीडियन। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑब्सीडियन होता है क्रिस्टल, ये हमारे शैडो साइड को बाहर निकालने के लिए होता है। जब हम इसको यूज करते हैं, अपने पास रखते हैं, पहनते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे अंदर की जितनी भी शैडो साइड होती है, जो छुपी हुई होती है कहीं ना कहीं, वो अपने आप से सरफेस पे आने लगती है, और सरफेस पे आने के बाद वो हील होती है, और वो सब सिर्फ इस ऑब्सीडियन की वजह से होता है, ब्लैक ऑब्सीडियन। आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर होती है, लेकिन इसको हर कोई व्यक्ति नहीं झेल सकता, क्योंकि ये हमारी शैडो साइड को, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो शैडो हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज आप क्या मैजिक लेकर आने वाले हैं, उनकी लव लाइफ में क्या मैजिक आने वाला है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ दो कार्ड और चाहिए बस। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या मैजिक होने वाला है, क्या वंडर होने वाला है, प्लीज़ बताएं। डियर फ्रेंड्स, जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, अपने अंदर की शैडो साइड को बाहर कर देंगे, अपने अंदर सुधार कर लेंगे, अपनी जो भी निगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद आप पिलर ऑफ लाइट बनेंगे। पिलर ऑफ लाइट मीन्स आप जो लोग भटके हुए हैं उनको आप रास्ता दिखाएंगे। भटके हुए मीन्स कैसे, जैसे कि किसी को नहीं पता है कि सचमुच में प्रेम किसे कहते हैं, तो आप उनको ये समझाएंगे कि सचमुच में प्यार क्या होता है। लस्ट नहीं, एक ट्रू लव जो सिर्फ आत्मा से, आत्मा का कनेक्शन होता है, उसको वो समझेंगे, आप समझाएंगे दूसरों को। और दूसरे जो भटके हुए हैं, भटके हुए मीन्स जिनको एंग्जाइटी होती है, जो प्रॉब्लम में हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कि लाइफ में उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उनके लिए आप एक गुरु की भूमिका निभाएंगे। उनको आप समझाएंगे कि आप अपने आप से जुड़िए, कनेक्ट करिए, अपने अंदर हीलिंग करिए, और अपने चक्रास को बैलेंस करिए, क्योंकि चक्रास हमारी बॉडी के मेन पॉइंट्स होते हैं, जिनको हील करने के बाद, जिनको एक्टिव करने के बाद हमारे जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे से खत्म होने लगती हैं। तो आपको पिलर ऑफ लाइट बनना है और लोगों को प्रकाश देना है, उनको समझाना है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन। तो आप लोगों में से बहुत से मस्कुलाइन हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं, उनको ज़रूरत है हील होने की, क्योंकि उनके अंदर 3D के नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, या उनकी जो नर्सिंग की गई है बचपन से कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को लड़कियों से मजबूत समझा जाता है, लड़के कभी झुकते नहीं हैं लड़कियों के आगे, या ब्ला ब्ला करके बहुत सारे जो हैं चीज़ें वो समाज में जो फैली हुई हैं, इसकी वजह से उनका जो थॉट पैटर्न है वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना है। उनको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, उनको अपने आप को डिवाइन के पावर में लाना पड़ेगा। जैसे भगवान शिव थे, वो हर जगह माँ पार्वती को आगे रखते थे, किसी भी युद्ध क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो, तो उनको साथ रखते थे और उनको आगे रखते थे। अगर राक्षसों से युद्ध करना है तो वो उनको इस तरीके से ट्रेन करते थे कि वो स्त्री होकर भी राक्षसों का वध कर सकती थी। तो यही डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप स्वयं को हील करिए, अपने अंदर डिवाइन पावर को लेकर आइए, आप हैं और आप उस चीज़ को हील कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए 15 डेज़ के लिए, कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आप सभी लोगों को अपना लाइफ पथ रिवील हो। आपकी लव मैजिक यही है कि आपको अपने बारे में असलियत पता पड़ेगी, आपको सचमुच में पता पड़ेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप एक डीप सोलमेट जर्नी में हैं, आपको अपने अंदर क्या क्या सुधार लाने हैं, वो चीज़ें आपको नेक्स्ट 15 डेज मालूम पड़ेंगी। तो ये थी रीडिंग
हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच अपना बहुत कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू।